अप्रैल का मंथ जैसे भी गुजरा हो फोन लॉन्चेस में लेकिन मई का मंथ जो है काफी क्रेजी और बहुत ही जबरदस्त स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं जो सालों भर चलेगा और इसका नाम हम लेते रहेंगे तो चलिए बात करते हैं अब के स्मार्टफोन जो मई के मंथ में लॉन्च होने वाले हैं और सबसे पहला फोन जो इस कैटेगरी में लॉन्च होने वाला है वो है सैमसंग गैलेक्सी एफ 54 अब ये जो फोन है 30,000 के अंदर आने वाला है एक्जोनऑस वन का प्रोसेसर होगा इसमें इसमें एमोलेट डिस्प्ले 120 ट्वेंटी के साथ होगा वन जीरो एट प्लस एट प्लस टू का रियर कैमरा लेकिन 108 मेगापिक्सल का जो सेंसर होगा वो ओ सेंसर होगा इसलिए ये 30,000 तक का सटेगा बात करते हैं 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा 6000 हजार मिलियम पे आर की बैटरी पच्चीस वाट का फास्ट चार्जिंग और फर्स्ट लुक देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये फोन होगा आपको ये फोन कैसा लगा और आप वेट कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए अगला जो फोन लॉन्च

कहता है Realme का 11 Pro Plus ये जो फोन है या फिर 11 Pro भी बोल सकते हैं ये जो फोन है डायमेंसिटी 7000 के साथ आएगा 200 मेगापिक्सल विथ मून मोड के साथ देखने को मिलेगा यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी एमोलेड डिस्प्ले विथ कर्व और यहाँ पर 5000 एमएचआर की बैटरी और 66 वाट या 7 वाट का फास्ट चार्जिंग ये भी फोन काफी जबरदस्त रहेगा और हम इसका रिव्यू देंगे ऑफिशियली बाय करके क्योंकि कंपनी हमें भेजता नहीं है आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उस लाइक तक पहुंचे तो कंपनी भी हमें साथ जो फोन लॉन्च होने वाला है वो है आइकू के तरफ से आइकू न्यू एट अब ये जो फोन है आईकून न्यू एट ये ऐसा बताया जा रहा है कि डायमेंसिटी 9200 प्रोसेसर के साथ आने वाला है ओ सेंसर वगैरह होगा और फर्स्ट लुक देख सकते हैं कुछ इस तरह का है आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए उसके बाद जो फ़ोन लॉन्च होने वाला है वो काफ़ी ख़तरनाक फ़ोन है Vivo का S17 ये जो फ़ोन है आएगा डायमेंसिटी सेवन टू डबल ज़ीरो प्रोसेसर के साथ जो काफ़ी ज़बरदस्त प्रोसेसर है सबको पता है और इसमें 50 मेगापिक्सल का ओ सेंसर देखने को मिलेगा 16 का सेल्फी और 5000 हज़ार मिलियम की बैटरी और फास्ट चार्जिंग 44 वाट का ऐसा बोला जा रहा है लेकिन एमोलेड डिस्प्ले वन ट्वेंटी के साथ और मे बी हो सकता है कि कब डिस्प्ले आए प्रो प्लस या प्रो वर्जन जो होगा इसका वो होगा लेकिन इसकी प्राइस जो होने वाली अंडर थर्टी थाउजेंड में आएगी अगर कर्व नहीं आया तो अंडर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में आएगा लेकिन ये फोन आने वाला और काफी जबरदस्त डिजाइन के साथ आएगा आप लेना चाहेंगे कमेंट में जरूर उसके बाद आने वाला है वन प्लस के तरफ से दो फोन पहला तो कन्फर्म हो चुका है और ये फोन ऑलरेडी चाइना में और इंडिया में लॉन्च हो चुका है वन प्लस का नोट एन थर्टी ये जो है लाइटर वर्जन होने वाला है वन प्लस नोट सी थ्री लाइट का ही बस इसमें थोड़ा सा रैम वगैरह चेंज देखने को मिलेगा

काफी जबरदस्त लग रहा है आपको यह कैसा लगा कमेंट में उसके बाद लॉन्च होने वाला है पिक्सल के तरफ से दो फोन पहला जो है गूगल पिक्सल फोल्ड और पिक्सल 7A। फोल्ड के बारे में बात किया जाए तो चिप के के साथ आएगा और पिक्सल ए भी टेंजर टू के साथ आएगा आएगा और भी लेकिन फोल्ड जो होने वाला है इसका फर्स्ट लुक देख सकते हैं कुछ इस तरह का और पिक्सल 7A के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर ट्रिपल डी कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो बारह 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 का होगा और सेल्फी भी इसका बारह ही होगा बस इस तरह का कुछ है वैसे आप इंटरेस्टेड है पिक्सल फोन के लिए

के साथ अंडर फिफ्टीन थाउजेंड रहेगा और इसमें देखने को मिलेगा एमोलेट डिस्प्ले वन ट्वेंटी के साथ पचास आठ दो का रियर कैमरा बत्तीस का सेल्फी पांच हजार की बैटरी और फर्स्ट लुक देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको यह फोन कैसा लगा कमेंट में जरूर और उसके बाद लॉन्च होने वाला है सबसे डेंजर फोन ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस अब ये जो फोन आने वाला है ऐसा बताया जा रहा है कि डायमेंसिटी 9000 थाउजेंड या स्नैपड्रैगन एट प्लस जेन वन वाला प्रोसेसर के साथ आएगा लेकिन इस बार जो कैमरा होगा काफी जबरदस्त होगा और फर्स्ट लुक देख सकते हैं जिसमें प्रेस्कोफिक सेंसर देखने को मिल रहा है अब ये फोन आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे लेकिन प्रेस्कोफिक यही लाया था और यही हटा दिया पता नहीं क्यों अब फिर से ला रहा है पता नहीं ये फोन कैसा होगा आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर तो यही कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन हुए वैसे तो बहुत सारे फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं जो कन्फर्म फोन लॉन्च होगा उसके बारे में बात की है और जो इंडिया में होगा उसके बारे में बात की है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए और संडे को आ रहा हैशटैग आस रजा दस बजे उसके लिए सवाल आज करिए क्योंकि हम थोड़ा बिजी रहते हैं इसलिए चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए